हजरत अली को उन्होंने शहीद किया जो उनके साथी थे खवारिज। जंगे सिफीन में हजरत मुआविया के कहने से अमर इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला उन्होंने कुरान मजीद जो है नेजे पर उठा लिया कि लड़ाई बंद करो, कुरान को हकम बना लो, जो कुरान फैसला कर दे वो हम भी कबूल करें तुम भी करो। हजरत अली का ख्याल ये था रजी अल्लाह ताला लो ये चाल है, और उन्होंने रोका अपने साथियों को, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कुरान आ गया बीच में, अब हम कैसे हाथ कैसे हथियार चला। इसमें मेरा जहन जाता है एक हदीस की तरफ, बड़ी अहम हदीस है और उसके रावी हजरत अली हैं। हजरत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इन्नहा सतकून फितनतुन अन करीब, एक बहुत बड़ा फितना रुनमा होगा। हजरत अली फरमाते मैंने अर्ज किया मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, उससे निकलने का रास्ता कौन सा होगा। फरमाया किताबुल्लाह फीह खबरो मा कबलकुम व नबाउ मा बादकुम व हुक्म मा बैनकुम, इस कुरान में तुमसे पहले लोगों की खबरें मौजूद हैं, बाद आने वालों के हालात मौजूद हैं, और तुम्हारे दरमियान जो इख्तलाफात भी पैदा होंगे उनका हल मौजूद है। तो अब कैसे ना मानते मुसलमान, कुरान को हकम बनाया जा रहा। बहरहाल उसके नतीजे में जो भी हुआ है ये अब तारीख का मामला है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, मसला हल नहीं हो सका। लेकिन हजरत अली की खिलाफत जो है उनके हाथ पर बैत हो गई थी, वो चली, लेकिन 4.5 बरस सिवाय खाना जंगी के और कुछ नहीं हुआ। वो जो काफिला आगे चल रहा था सैले रवां, वो एक इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अलबत्ता कैसर रूम ने जब देखा ये तो आपस में लड़ रहे हैं, अब मौका है मैं हमला करूं, क्योंकि वहां करीब तरीन तो हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे ना, शाम में, शाम से मुल्हिक था ना आगे कैसर। हजरत मुआविया ने खत लिखा और रूमी कुत्ते अगर तूने दारुल इस्लाम पर हमला करने की जरूरत की तो सुन ले कि अली की तरफ से लड़ने वालों में सबसे पहले मुआविया होगा तेरे खिलाफ, लिहाजा उसने जुरत नहीं की। बहरहाल हजरत अली को शहीद करने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट जो खुद उनके अपने साथियों में से थे। उन्होंने कहा वह कहा कम क्यों माना, इधर हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का हकम नहीं, कुरान हकम नहीं है, क्यों माना तुमने, और अगर माना था तो आप हकम के बाद क्यों नहीं मानते, छोड़ दो खिलाफत। बहरहाल ये कहलाते हैं खवारिज जिन्होंने बगावत की है हजरत अली के साथियों से। उनमें से तीन ने बैठ के तय किया कि ये तीन जो दर हकीकत बड़े शख्स हैं, ये इस वक्त उम्मत जो है उनके इनकी वजह से इस मुश्किल में पड़ी, उन तीनों को कत्ल कर दो। फला दिन सुबह फजर की नमाज के वक्त एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, एक शख्स वहां जाएगा, और फजर की नमाज में कत्ल कर दो। इब्ने मुल्जिम आया हजरत अली पर वार किया, वारकारी साबित हुआ। बाकी दो हजरत मुआविया और हजरत अमर इब्न अल-आस, इनमें से एक तो उस रोज फजर में आए नहीं किसी वजह से, और दूसरे पर जो वार पड़ा वो ओछा वार था, वो कारी वार नहीं था। हजरत अली शहीद हो। उसके बाद हजरत हसन की खिलाफत हुई 6 महीने, लेकिन अब जब जंग का मामला हुआ तो हजरत हसन ने दस्तबरदारी